हाँ, तक समाज की बात करता हूँ। भाई साहब हमारे दिनेश जी बैठे हैं, सेलटेक्स वाले, अपने डिपार्टमेंट के धुरंधर आदमी है, ये बताइए, मास्टर आदमी है। हमारे कूड़े मुंशी जी बैठे हैं, बताइए क्या उनका कचहरी में सम्मान नहीं है? हमारे मुकेश जी बैठे, रवि जी बैठे, क्या इनका सम्मान नहीं है? हमारे समाज, मैं भी बाद में ले लूँगा, हमारे समाज के अंदर इतने अनगिनत हीरे हैं, लेकिन तुम लोगों ने अनगिनत हीरो के ऊपर डस्ट का पार्टिकल लगा दिया, एक धूल से चढ़ा दिया उसके ऊपर, उस धूल को हटाने का प्रयास नहीं करते हो, सिर्फ आपस में लड़ते रहते हो। एक अभी हमारे विजेंद्र जी ने कहा, माननीय धूलचंद जी थे, आप भी थे, सभी लोग वहाँ उपस्थित थे, हमारे मोसा जैक्सन भी थे, इन्होंने कहा भाई समाज एक नहीं हो रहा, 13 साल से तारा नहीं खुल रहा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि हम लोग प्रयास करेंगे, उसके अंदर 6 लोगों की कमेटी बनाई गई, 6 में से 2 हट गए, सिर्फ 4 लोग रहे। 4 लोग गए तो उन्होंने कहा जी हम हर तरह से तैयार है, मैं उसको लंबा नहीं खींच रहा। जब वो लोग तैयार है तो उसके आज स्थिति क्या बन गई, किसी ने फोटो लगाया या नहीं बनाया, उसकी अपनी समस्या है। एक बात मैं कह रहा हूँ, युवा लोगों ध्यान रखो, जो समाज के अंदर जितने भी ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, कोशिश करो अगर समाज का उत्थान आपने करना है ना, इन लोगों से दूर हो जाओ, नहीं तो सही बता रहा हूँ, ये लोग आपको डुबो देंगे, ये कुछ नहीं करने वाले आप लोगों का, ये सिर्फ पर्ची काटने का धंधा है इन लोगों का, पर्ची काटेंगे, अपना विकास करेंगे, अपने घर मकान बनाएंगे। अभी रेणु जी ने कहा ना, कोई व्यक्ति समाज का ऐसा व्यक्ति मेरे को आज तक नहीं मिला, किसी व्यक्ति ने मेरे को बोला रेणु जी ने उसके यहाँ से 5 रुपए लिए हो, अपनी मेहनत के बल पर है, अपनी योग्यता के बल पर वो यहाँ पर बैठी है। तो इसलिए मेरे समाज के प्रिय भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अपने नाथ संप्रदाय को जानो, अपने समाज को जानो, अपने समाज की जड़ों में रहो। एक बार वेबसाइट का नाम और, मैं वेबसाइट का नाम, मोसा जी सभी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे भाई साहब मुकेश जी बैठे हैं सामने, पीछे अवधेश जी बैठे हैं, www.nasamaj.com या www.jogisamaj.com। कोई भी भाई समाज का, यहाँ जितने भी पुराने भी लोग बैठे हैं, गणमान्य लोग बैठे हैं, उसके ऊपर अध्ययन कर लीजिए, उसका इंसाइक्लोपीडिया उसके अंदर मिलेगा, उसका गहन अध्ययन करें। अगर किसी के अंदर कहीं भी डाउट हो तो उसका प्रश्न मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो किसी भी पर्सन के ऊपर। मेरे यहाँ नीटू जी बैठे हैं, नीटू जी अक्सर पूछते हैं, चले गए यहाँ पर से, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भगवान गोरखनाथ जी का इतिहास नहीं है। अरे भगवान गोरखनाथ जी को तुम्हारे झारवी से जोड़ देगा, लोग भगवान गोरखनाथ जी के बारे में तक नहीं जानते आप लोग, तो अपने भगवान गोरखनाथ जी जिसका युगो युगांतरण तक आज तक वर्णन होता रहा, जब भगवान परशुराम जी ने 21 बार छत्र विहीन कर दी थी, तो उन्होंने पाप की मुक्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना किया, तो उन्होंने बोला कि प्रभु हमें इस पाप से मुक्ति दिला दो। तो ब्रह्मा विष्णु कहने लगे कि परशुराम जी इसकी मुक्ति के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है, अगर इसकी आपने मुक्ति पानी है तो सिर्फ त्रिकालदर्शी के पास जाओ। तो त्रिकालदर्शी कहते हैं कि 12,000 वर्षों तक जब मैं योग रूप में हूँगा तब तक आप मेरा इंतजार करें। तो भगवान शिव ने, जिसे लोग कहते हैं ना अक्सर बड़े डाउट होता है लोगों के ऊपर, मैं एक बात बताता हूँ, शिव ही गोरख है, गोरख ही शिव है। जब भगवान भोलेनाथ गृहस्थ रूप में होते हैं, माता पार्वती के साथ होते हैं, तो वो महादेव कहलाते हैं, और जब अपने योग रूप में होते हैं ना, वो अकेले होते हैं, तो वहाँ पर गोरख कहलाते हैं। सिर्फ यही सत्य है, इसके आगे कुछ सत्य नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।